ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஜென்மாத்ரைகரசே விஷ்ணோ பிரம்மாத்மைக்கிய ஸ்வரூபகே பிரமேவ ஜகஜாதம் ரஜ்வாம் சர்வப்ரமோ யதா. கேவல் ஏக் சுத்த சைத்தன்யமே ஹி ஜட சேதன் கி பிரதீதி ஹோதி ஹை. கைசே இஸ்கோ தோனோ கோ ஏக ஹி தத்துவ கைசே பிரகட் கர் சக்தா ஹை இஸ்கோ ஹம்கோ சிந்தன் கர்னா ஹை. உதாரண டிய ஜாதே சாஸ்திர மே ஜேசே சபீ ஆபூஷண் சுவர்ண சேஹி பனே ஹே தோ ஆபூஷணோ கா காரண் சுவர்ண ஹை. யே பாத் சமஜ் மே கோய் காஸ் கடினாய் நஹி. ஃபிர் தூசரி பாத் ஆதி ஹை கி சபீ ஜோ கட் ஹை வோ மிட்டி சே பனே ஹை யே பி சமஜ் மே கடினாய் நஹி ஆதி. சபீ லஹரே சமுத்ர கி ஹை யே பி சமஜ் மே கடினாய் நஹி ஆதி. लेकिन एक ही तत्व से जड़ भी निकला और चेतन भी निकला, ये कैसे समझ में आ जाए? या तो जड़ होगा या तो चेतन होगा. इसीलिए इसको अनुपमेय कहते हैं. तत्व को किसी के जैसा नहीं बताया जा सकता कि ये कैसा है, अपने आप में है. तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं. पानी है और पानी की एक शक्ति है जिसको वेदांत में माया कहते हैं, शाक्त में शक्ति कहते हैं और अंग्रेजी में पोटेंशियलिटी कहते हैं. तो यह जो पानी की शक्ति है, पानी में पानी के सिवा तो कुछ है ही नहीं. अब ये शक्ति का प्रयोग या प्रभाव किस पर होगा? अग्नि में अग्नि के सिवा कुछ है ही नहीं. तो अग्नि की जो दाहिका शक्ति है, इसका प्रभाव किस पर होगा, ये चिंतन करना है. तो पानी जो है, इस पानी का पानी पर इस पानी की शक्ति का प्रभाव नहीं होता. लेकिन फिर वो शक्ति करेगी क्या? ये मालूम है कैसे है? एक सज्जन है जिनको गाने का शौक है, लेकिन उनकी आवाज फटे बांस के जैसी है. तो जब भी वो गाना शुरू करते हैं, लोग भाग जाते हैं. तो इसने सोचा, अब मेरी ये जो शक्ति है गाने की, कोई सुनना ही नहीं चाहता, क्या करूं फिर मैं? देखो, एक हमारी अम्मा है, उसको बहुत गाने का शौक है और वो जब गाना गाती है तो घर के सभी बच्चे दौड़ के, दादी माँ गाना बंद करो, हम चुप हो जाएंगे, लेकिन आप पहले चुप हो जाओ. इतनी भयानक आवाज है, लेकिन वो भी डटी है. म्यूजिक टीचर को पेमेंट करके सीखती है. म्यूजिक टीचर कहता है कि मेरे जन्म का क्या प्रारब्ध आया कि तेरी मुझे मिली, तुम संगीत नहीं सीख सकती, ना आवाज है ना ताल है ना कुछ है, लेकिन गाना तो है ही, क्योंकि शक्ति है गाने की. तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, बाथरूम में स्वयं ही गाते हैं और स्वयं ही सुनते हैं. इसी प्रकार से परमात्मा अकेला है और कोई है ही नहीं, तो फिर स्वयं ही दुनिया को निर्माण किया, स्वयं ही एंजॉय कर रहे. देखो, तो ये जो पानी की शक्ति है, ये पानी पर प्रयोग करने का प्रयत्न करेगी. तो क्या प्रयोग करेगी? पानी का उसने समुन्दर बना दिया और फिर देखा उस शक्ति ने कि और क्या बना सकती हूँ. फिर उसी शक्ति ने उस पानी की लहरें बना दी और उसके पश्चात बादल बना दिए, आइसबर्ग्स बना दिए,
सब कुछ बना लिया और फिर देखने लगी अब कैसा है। तो लहरें दुखी होने लग गई, समुंदर परेशान होने लग गया, बर्फ पिघलने लग गया, बादल उड़ने लग गए। तो शक्ति को लगा कि चलो मैंने तो पानी को परेशानी किया है, मेरा काम हो गया। और फिर वो पानी के पास गई, कहती है देखिए मेरी शक्ति। तो पानी कहता है कि हे महामाया, तुमने जो समुंदर बनाया है ना उसमें मैं डूबता नहीं, पानी समुंदर में डूबता नहीं। जब ये लहरें टूटती है तो मैं टूटता नहीं, जब बारिश ऊपर से नीचे गिरती है तो मुझे चोट नहीं आती। तुमने जो कल्पना करी है ना कि मैं ये भिन्न भिन्न उपाधियां दे करके मुझ में अनेकता निर्माण कर दोगी, ये असंभव है। फिर ये सब क्या है, एक ही पानी को हमने अनेक गालियां दी है, उसी पानी को कभी समुद्र कहा, कभी लहर कहा, कभी आइसबर्ग कहा, कभी बादल कहा, कभी वर्षा कहा, है तो पानी ही। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा यही सब कुछ है और इसके लिए करना कुछ नहीं है, केवल अपने अनुभूतियों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करना है। देखो जब हमको बताया जाता है कि रूप रंग का कारण दृष्टि है तो हमारे समझ में क्या आता है, रूप रंग का कारण मेरी दृष्टि है। दृष्टि ये वैयक्तिक नहीं है, ये सार्वजनिक है। देखो ये जो आई डॉक्टर होते हैं ना उनके लिए सभी आंखें समान है, देखो विशेष नहीं है, सब आंखें समान है क्योंकि दृष्टि सब में एक है। तो सभी रूप रंगों का कारण कहां से निकले, रूप रंग आंखों से, आंखें कहां से निकली, मन से, मन से मन निकला है बुद्धि से, बुद्धि निकला है निकली है चेतना से, चेतना निकली है हमारी शक्ति से। हमारी शक्ति क्या है, तीन प्रकार की, इसको स्पष्ट समझ लेना। परमात्मा सत, ये ऐसा सत सत है, ये किसी का विरोधी नहीं है, निर्विरोध सत्ता, इसी को परमात्मा कहते हैं, किसी का विरोध नहीं। हमको विरोध वाली सत्ता मालूम है, ये माइक है ये स्पीकर नहीं है, अभी दिन है अभी रात नहीं है, देखो ये खंडाला है ये बंबई नहीं है। तो हमको वही सत्ता मालूम है जो किसी का विरोधी है, लेकिन एक ऐसी सत्ता है जो किसी का विरोधी नहीं है, शब्द के भाव को भी प्रकाशित करती है, शब्द के अभाव को भी प्रकाशित करती है, दोनों के प्रति समान है। देखो महाराज, तो यह जो निर्विरोध निर्विकार एकमेवाद्वितीय सत्ता है वो परमात्मा है। अब इस परमात्मा की जो शक्ति है जिसको वेदांत में माया, शाक्त में शक्ति और भक्ति में अल्लादिनी शक्ति कहते हैं, तो यह जो परमात्मा की शक्ति है यह है चित शक्ति। तो सत हो गया परमात्मा, उसकी शक्ति क्या है, चित। इस शक्ति के कारण परमात्मा में जो विस्तार हो गया वो विस्तार है आनंद। देखो अब ये विस्तार को प्रकट करने के लिए तीन शक्तियां है, एक परमात्मा की इच्छा शक्ति, दूसरी ज्ञान शक्ति और तीसरी क्रिया शक्ति। अब ये अपने में घटाओ, देखो हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी के विरोधी नहीं है, हमारी इंद्रिय किसी भी विषय के विरोधी नहीं है,
हमारा मन किसी भी वृत्ति का विरोधी नहीं है। देखो संतो, यह जो निर्विरोध सत्ता है यह अपना स्वरूप है। अब ये जो तीन शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, भगवान ने अपनी इच्छा से दुनिया बनाई है। क्यों बनाई है यह बकवास प्रश्न है। मर्जी हमारी, हु आर यू टू आस्क, हमने बनाई। लेकिन आपने शादी क्यों की? अब की है, क्या करना है आपको, कर लो। लेकिन जब मालूम है, मालूम होता तो नहीं करते। तो हमने अपने इच्छा शक्ति को प्रकट किया और दुनिया निर्माण करना शुरू कर दिया। इसको शास्त्र में कहते हैं तीन प्रकार की इच्छाएं। एक है लोकेशणा, फिर वित्तेशणा और पुत्रेशणा, तीन इच्छाएं। ये हमारी इच्छा शक्ति है, यही परमात्मा की इच्छा शक्ति है, एक ही है। जो परमात्मा की सत्ता है वही हमारी सत्ता है, जो परमात्मा का चैतन्य है वही हमारा चैतन्य है, चित शक्ति। जो परमात्मा का आनंद है वही हमारा आनंद है, अलग कहाँ है। समष्टि और व्यष्टि अलग अलग नहीं हो सकते, हमेशा साथ रहते हैं। अच्छा महाराज, अब ये जो तीन इच्छाएं हमारी है वो कैसी है कि मुझे स्वर्ग में जाना है मरने के बाद, लोकेशणा, अच्छी बात है। फिर उसके लिए स्वर्ग में तो तभी जाओगे जब आपका पुत्र आपका पिंडदान करेगा तो। अच्छा, पुत्र की होना आवश्यक, हाँ जी ठीक है। फिर शादी करनी पड़ेगी, अब शादी करनी है, अच्छा तो पैसा चाहिए, तो फिर वित्तेषणा, फिर पुत्रेषणा, इच्छा प्रकट हो गई। इच्छा प्रकट होने के बाद फिर ज्ञान, अब इनको कैसे संभाले, जिसके लिए शुरू की थी वही भूल गए, परेशान उसी में। और फिर ये ज्ञान होने के बाद फिर क्रिया शक्ति, कर्म में लग गए। देखो अब ध्यान से सुनना, जब हमारी इच्छा और प्रभु की इच्छा एक होती है तब जीवन में सफलता आती है। जब हमारी इच्छा और प्रभु की इच्छा इनका विरोध होता है तब सफलता नहीं आती। और इसीलिए यदि जीवन में सफलता होती है तो ईश्वर का अनुग्रह है, यदि सफलता नहीं होती तो ईश्वर की इच्छा है। ये दो सिद्धांतों को लेके चलो, देखो जीवन में कितनी सहजता सरलता आ जाती है। तो शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य दुनिया को बदलना नहीं, अपने दृष्टि को बदलना है, अपने ज्ञान को बदलना है, अपनी समझ को बदलना है और अपने स्वभाव को बदलना है। स्वभाव हमने निर्माण किया है। देखो कोई भी व्यक्ति मुख में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके पैदा नहीं होता। फिर स्कूल कॉलेज में जाने लग गए और बाकी लड़के मजाक उड़ाते, अरे यार तू कहाँ सिगरेट पी सकता है, तुम्हें इसको जरा प्रेस्टीज इश्यू हो जाता है। उसके बाद साधना शुरू होती है, सिगरेट का पैकेट लिया, माचिस ली, बाथरूम में गए और वहाँ शुरू कर दिया एक के बाद एक एक। पहली सिगरेट पी तो नाक कान मुंह आँख पूरे शरीर से धुआं निकला, फिर भी छोड़ा नहीं, साधना करनी है। और धीरे 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 धीरे, और फिर आप मुंह से अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम सब निकलना जरूर जाता है। और धीरे धीरे पहले वो सिगरेट पीता था, अब सिगरेट उसको पीने लग गई, अब हम छोड़ ही नहीं सकते। तो ये जो हमारा एक्वायर्ड नेचर है, ये जो हमारा स्वभाव है, इस स्वभाव को हमको बदलना है, उसको अध्यात्म कहते हैं। देखो हमारा स्वभाव है खामोखा बोलना, हमारा स्वभाव है जहां नहीं जाना वहां पहुंच जाना,
देखो ये सब बातें हमारे शास्त्रों में कहानियों के माध्यम से बताई है। एक कहानी आपको बताते हैं, सती और शिव जी की कहानी। सती के पिता दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, दामाद होते हुए भी नहीं बुलाया। तो शिव जी बोले ठीक है, झंझट खत्म और अपने मस्त रहेंगे अपने आप में। जो व्यक्ति अपने आप में मस्त रहता है वो शिव जी है। तो वो अपने में मस्त थे और इनकी पत्नी सती, देखो जी सब लोग जा रहे हैं हम भी जाएंगे। बोले देखो भैया अपने को नहीं बुलाया। बोले अपने बाप के घर जाने के लिए किसी का न्योता चाहिए क्या? जब कोई भी आदमी आर्ग्यूमेंट करता है तो सबसे बढ़िया बात ये चुप हो जाओ। बोले बाबा चुप हो गए, मैं तो जाऊंगी, हाँ नहीं ना नहीं, और चल पड़ी। और वहां जाने के बाद जो तमाशा हुआ, उस समय शिव जी कहते हैं कि जहां हमको निमंत्रण नहीं, जहां हमारी आवश्यकता नहीं, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जवान पति पत्नी बात कर रहे, झगड़ा कर रहे, घर का बूढ़ा क्या हो गया बेटा, तुम आ जाओ अभी तुमको मारेंगे। जहां अपनी आवश्यकता नहीं मत जाओ। देखो संतो, कितने घरों के जो परेशानी का कारण यही कारण है, मेजॉरिटी ऑफ देम। देखो इसीलिए हमारी इच्छा हरी इच्छा से मिले। देखो जो हमको दिया है हमने किया। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी इन बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए? हमने कहा वो तो मेरे सामने नहीं, मेरे सामने तुम हो, मैं तुमको शिक्षा दे सकता हूँ। बोले क्या, अब तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है ना, अब उनको उनका करने दो, उनके जीवन में क्यों दखल ले रही हो? स्वामी जी आप तो उल्टे बोल रहे। हमने कहा तुम कहाँ सीधी हो? देखो संतो, अध्यात्म में प्रवेश करना माने एकदम पक्का वैराग्य चाहिए। वैराग्य माने कि घूमना कुछ नहीं है, जहां है वहां बैठे रहो, खामो खाम दखल मत लेना। धीरे धीरे आपका मन शांत रहेगा, फिर ये हमने जो बातें बताई समझ में आएगी। कर्म, ज्ञान और इच्छा, इसको वेदांत में कहते हैं हृदय ग्रंथि। अविद्या काम कर्म, पहले अविद्या है वही हमारी शक्ति है। यदि शादी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, शादी करनी है, अविद्या। काम, फिर इच्छा हो गई, फिर कर्म, कर्म के बाद इच्छा के बाद कर्म। जब तक कि अविद्या काम कर्म है तब तक कि हम संसारी है। ये गांठ को छोड़ो, शादी में इसीलिए गांठ मारते हैं। देखो और वेदांत में आगे गांठ को खोलो। इस प्रकार से एक ही तत्व अनेक रूप से प्रकट हो रहा है, वही जगत है। जब परमात्मा पर नाम रूप रख दिया, वही जगत है जब परमात्मा पर, वही ईश्वर है जब परमात्मा पर माया रख दी, और वही जीव है जब उसी परमात्मा पर पंचकोश रख दिए। ये जो मैं हजार बार उदाहरण दिया हूं, वही आदमी पुत्र है जब पिताजी के साथ है, पति है जब पत्नी के साथ है, और पिता है जब पुत्र के साथ है। तो ये जो तीन है ये औपाधिक है और ये सत्य नहीं है। और दुखी होने वाले ये तीन बेवकूफ है। करना कुछ नहीं है, जो जो अपना व्यवहारिक जीवन है बढ़िया से बढ़िया जियो। पुत्र के सब अपने जो नियम है कर्तव्य उसको निभाओ, पति के जो कर्तव्य है उसको निभाओ, पिता के जो कर्तव्य उसको निभाओ,
टाइम पास हो जाता है, लेकिन उसमें हम अपनी इच्छा दूसरों पर लादने का प्रयत्न करते हैं और वहां से संसार शुरू हो जाता है। देखो महाराज, इसीलिए चिन्मात्रैक रसे विष्णु ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप के, जब हम अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे ना, तब पता चलेगा मई एव सकलम जातम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम, मई सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्मि। थोड़ा थोड़ा पीछे जाके देखो क्या होगा, मैं, मेरे बच्चे, मेरा संसार, मैं कहाँ से निकला, मेरे पिता से, तो पिता का, फिर मैं और फिर मेरा संसार, वो पिता का ही है, ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर ओरिजिन, फिर मेरे पिताजी, उनका संसार और फिर मेरा संसार, और आगे चले जाओ तो जाते जाते आप ऐसे स्थान पर पहुंचोगे, ये सब का सब केवल मेरा ही विस्तार है। इसीलिए भगवद गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक यदि पढ़ोगे ना आप, तो ये सब बातें क्लियर होती है। ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थम राहुरव्ययम्। ऊर्ध्वमूल, मूल क्या है, अविद्या है, मूल क्या है, माया है, अविद्या माया के जो परे है, ऊर्ध्व है, वो परमात्मा है। यस्तम वेद सवेद अविद, जिसने उस परमात्मा को, जो माया का और जीव का और जगत का और ईश्वर का अधिष्ठान है, यस्तम वेद सवेद अविद, उसी ने परमात्मा को जाना है, उसी ने वेदों के तात्पर्य को जाना है, लेकिन हमारा ध्यान चला जाता है फिर अधश्चोर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, हम उसमें भटक जाते हैं। फिर भगवान रोकते, न रूपमस्तेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि निरसंप्रतिष्ठा, ऐसे पेड़ को ढूंढो मत, न रूपमस्तेह तथा उपलभ्यते, चिंतन करो तो ना कभी कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। नान्तो न चादि निरसंप्रतिष्ठा, ना इसका आदि है ना अंत है ना इसी की प्रतिष्ठा है। हमारे स्वप्न की क्या प्रतिष्ठा है, हमारा स्वप्न कौन से मुहूर्त पर शुरू हुआ था, हमारा स्वप्न कब खत्म हुआ था, भगवद गीता के 15वें अध्याय को यदि आप उबालकर पी जाओ ना, तो बाकी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, सब दिया है उसमें। जीव क्या है, जगत क्या है, साधना क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर का दर्शन किसको कहते हैं, ये सब का आधार क्या है, ये जानने के बाद ये अपना स्वरूप है, इसका अनुभव जब तक नहीं आएगा, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत, जब तक ये बोध, इसका अनुभव नहीं आएगा, तब तक के जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती, यू वोंट डिस्कवर फुलफिलमेंट इन लाइफ। जिसके जीवन में फुलफिलमेंट आ गई, कृतकृत्यता आ गई, उसको ना उद्धव का लेना ना माधव को देना, फिर टाइम पास हो रहा है। देखो, अध्यात्म इसको कहते, इसी को कहते आनंद, इसी को कहते मंगल, यही हमारा आनंद मंगल है। जन्मात्रैक रसे विष्णु ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप के, तो जिसकी कहानी हो रही, कोई ब्रह्म ऊपर बैठा हुआ नहीं है, अपने में ही है, हम ही है स्वरूप के, ब्रह्म एव जगत जातम, ये संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म मात्र है। कैसा है, रज्वाम सर्प भ्रमो यथा, जैसे रस्सी पर सांप दिखता है, तो यह सांप नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये केवल प्रतीति है। जब तक के हमारे दिमाग में ये बात स्पष्ट नहीं होती कि इंद्रिय मन बुद्धि से ग्रहण होने वाला जो भी ज्ञान है वो केवल प्रतीति है, वास्तविक नहीं है, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना, यह आध्यात्मिक साधना करके शुरू हो जाओ। हम बताएं, एक बार हम गए थे नॉर्वे, एक हमारे मित्र है, वो किसी ऑयल कंपनी में थे, तो उनका कोई एक बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस था,
बिल्कुल अकेला। हमको वहां पहुंचने में कार से आधा घंटा लगा। बहुत ही सुंदर, सामने बहुत बड़ा लेक था मीलों, और एकदम दीवार के जैसा पहाड़, और नीचे लेक के पास थोड़ी हरियाली थी, थोड़ी पहाड़ पर हरियाली, उसके बाद एक भी पेड़ पत्ता नहीं, और उसके ऊपर में बर्फ ही बर्फ। और हम जब पहुंचे वहां तो कितना सुंदर है, कुंभक हो गया। पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया। खाने के लिए कुछ और नहीं है क्या? यही ब्रेड बटर कब तक खाए यार? कुछ गरम गरम नहीं मिल सकता यार? हमारे साथ जो बुढ़ाओ थे उन्होंने कहा था, तो जैसा उन्होंने कहा तो हमने कहा पहाड़ देखो, नजारा देखो। तो समझ में बहुत देख लिया अभी खाने की बात। तो हमने क्या सीखा उससे? मनुष्य का मन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसके प्रति हमेशा आकर्षित नहीं हो सकता। और ये हमारा मन हमको नचा रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। इधर जा, उधर जा, ये करो, वो करो, ये जितने घूमने वाले हैं ना, भटकंती ऐसा ही है। आप भी उसमें आ गए क्या? हमारा भी मन पूरे दुनिया में कहीं नहीं लगता, कन्हैया में लगता है। ये अपना है नहीं, यहां तो वैकेशन के लिए आए हैं। जो वैकेशन के लिए आदमी जाता है तो बोर नहीं होता, क्योंकि वहां टाइम पास करने के लिए आए, कुछ कमाने के लिए नहीं आए। और हम इस दुनिया में आते हो ऐसे लगता है कि बस यहां हम इटरनली रहने वाले हैं, और ये मेरा मकान, ये ऐसा है, ये दुकान, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है। हमारे रामदास स्वामी कहते हैं, सभी कहते हैं ये घर मेरा है, चोर कहता घर मेरा है, चिपकली कहती है घर मेरा, चूहे कहते घर मेरा है, और हरे कहता घर मेरा है, और ये आदमी कहते ये मेरा घर है, और घर सबको देख के हंसता है, अभी को मैं किसका नहीं हूं। देखो महाराज, जब ये बातें हृदय में उतरती है ना, हम सबके साथ रहेंगे लेकिन कहीं चिपकेंगे नहीं। हमारी स्थिति क्या है? किसी अच्छे प्यारे बच्चे को देखा, मैंने किसी को मैसेज भेजा था, तो उसमें वो एक छोटे बच्चे के साथ मेरा फोटो था, तो वो व्यक्ति जिसने फोटो निकाला था वो ही उसी को शायद मैंने भेजा होगा, मुझे तो याद भी नहीं। उसे स्वामी जी आपने वो याद है वहां उस बच्चे के साथ फोटो लिया था, वही आपने लगाया? ना, हाँ वही लगाया। उसका नाम, मैंने नाम वो कुछ पता नहीं मुझे। जहां रहना है 100% रहो, नहीं तो चिपकेश, किसी जगह में किसी वस्तु को, व्यक्ति को चिपको मत। देखो महाराज, तब जा करके हमने ये समझ लिया है, ये जो जगत है, भ्रम एव जगत जातम रज्वाम सर्प भ्रमो यथा। जैसे रस्सी पर हमने सांप देखा तो उसको लेकर के डरने लग गए, और सीप पर हमने चांदी देखी तो उसको लेकर के पकड़ने चले गए। कई बार होता है समुन्दर के किनारे जाओ, कोई चमकता है, ऐसे लगता है कुछ तो भी है, किसी का गिर गया है, अब सबके सामने कैसे उठावे? तो वहां गए, खड़े हो गए, और अपने ही हाथ से वो रुमाल नीचे डाल दिया, अरे नीचे गिर गया, फिर उठाया उसको लेकर और फिर उसको देखा, अरे हाथ तेरे। माने जहां हमने किसी भी वस्तु को यह काल्पनिक है, प्रतीति है, ऐसा स्वीकार किया तो उसके प्रति हमारा आकर्षण हमेशा के लिए शांत हो जाता है।
यही समझना है, और कुछ करना कुछ नहीं है, छोड़ छाड़ करके जंगल में नहीं जाना है, नहीं, मैंने निर्णय ले लिया अब मैं स्वर्ग में जाकर ये हिमालय में जाकर के क्या करोगे, चाय की दुकान खोल दी। देखो ब्रह्म एव जगत जातम, ये जो दुनिया है ना ऐसी ही, इसको लेकर के परेशान मत होना, ये ऐसी ही रहेगी। नहीं तो देखो ना ये पॉलिटिक्स को लेकर के कितने गरम गरम होता है, उतने में चाय ठंडी हो जाती है, ये गर्म हो गई। इस चक्कर में मत पड़ना, तो अपना ध्यान अपने स्वरूप के तरफ रहे, तब हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हम विरोधी पक्ष नहीं है। अब इसके पश्चात विषय लेते हैं, भिन्न भिन्न जो फिलॉसॉफीज है उसको लेकर के उनकी क्या स्थिति है इस अद्वैत सिद्धांत के तुलना में, वो हमको बताएंगे, और फिर हमको उसमें वापस आना है। तार्किकाणां च जीवेशौ वाच्यौ एतौ विदुर्बुधाः लक्ष्यौ च सांख्य योगाभ्याम वेदांतैः ऐक्यतानयोः। पहले तार्किकाणां च जीवेशौ वाच्यौ, देखो हरेक शब्द के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ होते हैं। जैसे वाचार्थ, तुम बहुत ही सुंदर, नहीं नहीं मैंने मजाक करी थी। देखो वाचार्थ लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ माने आप कहना कुछ चाहते हो लेकिन डायरेक्टली नहीं कह रहे हो, जैसे आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है ना इसीलिए समझ में नहीं आ रहा, इसका लक्ष्यार्थ क्या हो गया कि आप बेवकूफ हो। तो ये जो तार्किक है, तार्किक माने जो लॉजिशियंस है, केवल लॉजिक में ही फंसे हुए, उनके लिए जीव और ईश्वर वो अलग अलग है, जीव अनेक है ईश्वर एक है, ये उनका अर्थ है। और जब तक हम ये अर्थ पकड़ के रहेंगे तो ईश्वर के साथ हमारा प्रेम कभी नहीं हो सकता। देखो अन्य की प्रतीति होने के पश्चात एक तो इच्छा होगी, दूसरी क्रोध होगा, तीसरा लोभ होगा, चौथा भय होगा, प्रेम कभी नहीं हो सकता। हम लोग जो जाते हैं मंदिरों में ना, प्रेम के लिए कौन जा, डर डर के। ये जितनी भी अपने एनआरआई है ना, हमको एक बार किसी ने कहा था एनआरआई ने, स्वामी जी हमारे यहाँ के बच्चे जितना जानते हैं ना अपने धर्म के बारे में, आपके इंडिया के लोग नहीं जानते बच्चे, क्योंकि हम मेहनत करते हैं यहाँ बच्चों के लिए। हमने कहा देखो हमको मत सिखाओ, जब तुम इंडिया में थे तब कभी गए थे क्या मंदिर में, यहाँ क्यों जा रहे, डर के मेरा लड़का किसी लड़की के चक्कर में भाग न जाए, इसीलिए उसको बांध के रखने के लिए, देखो बेटा अपनी संस्कृति अपना धर्म और अपनी भगवद गीता जब यहाँ थी तब खाक गए थे क्या। प्रेम कहाँ है महाराज, डर डर के जी रहे, क्योंकि भगवान अलग है हमसे, और ये सब लॉजिशियंस है। इसीलिए कहते हैं तार्किकाणाम जो जीवेश हो, जब तक कि हम ईश्वर को अपने से दूर रखेंगे प्रेम नहीं हो सकता। ईश्वर हमारे हृदय में है, देखो अब ईश्वर को आपको दिखाता हूं मैं अभी के अभी। एक बार एक बच्चे ने हमको बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बच्चे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, बुढ़ाऊ कंप्लेन करते हैं, बुढ़ाऊ को क्या प्रश्न है, वो स्वयं ही प्रश्न है। देखो महाराज सबके सब बुढ़ाऊ मुझे काट के खाएंगे मुझे मालूम है, लेकिन ये मत भूलना मैं भी हूं एक हूं आप में। तो बच्चे ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप कहते हो भगवान हमारे हृदय में है, हमने हाँ है, कहते नहीं है, फिर मैं कहाँ हूं, मैं भी तो अपने हृदय में हूं, तुम भी ठीक हो, तो क्या दो दो है, हाँ दो है। फिर आगे कहते अच्छा हुआ न क्या, फिर मैं आपको एक लगाऊंगा कसके और कहूंगा मैंने नहीं भगवान ने मारा है। हमने कहा यार तुम में दुर्योधन के गुण आ गए क्या, दुर्योधन यही कहता था जानामि धर्मम
नचे मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम नचे मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं क्या ठीक है, करता नहीं, और जानता हूं ये गलत है, करूंगा। क्यों? मैं नहीं करता, कोई देव भगवान बैठा वो हमसे करवाता है। देखो महाराज, तो जब उसने प्रश्न पूछा तो मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। हमने कहा तुम्हारा प्रश्न सबसे बेस्ट प्रश्न है मेरी पूरे लाइफ का, इसीलिए मैं तुमको पहले एक प्रेजेंट देता हूं, फिर बात करेंगे। तो मैंने, मेरे जेब में चॉकलेट थे, दिया चॉकलेट उसका, बढ़िया बार था, लंबा वाला। मैं अभी भी आया था किसी दूसरे देश से, तो था, जैसे उसको दिया इतना खुश हो गया, देख रहा चारों तरफ से नाम क्या है, कितना है, कैसा है, बड़ा खुश। हमने कहा फाड़ के खा जाए यार। बोले मैं नहीं खाऊंगा, अने वापस कर। तो वापस भी नहीं करूंगा, नहीं या तो खा या तो वापस कर। बोले मैं खाऊंगा भी नहीं, वापस भी नहीं करूंगा। क्या करोगे फिर उसका? मैं अपने बहन को दूंगा। हमने कहा बेवकूफ, तू उसका देगा, तेरे को क्या मिलेगा, तू खा। अब वो परेशान, नहीं मुझे उसको देना है। नहीं बताओ तो सही, ऐसा क्यों? अब वो प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं पा रहा था, बहुत परेशान, नाखून खाने लग गया। अरे नाखून नहीं, चॉकलेट खाऊ, चॉकलेट नहीं खाऊंगा मैं, पक्का डट के। फिर उसने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी आपको कोई बहन है क्या? हमने कहा नहीं। बोले फिर आपको समझ में नहीं आएगा। उसने सब कुछ बता दिया। उसका कहने का तात्पर्य क्या था कि जब मैं अपने बहन को दूंगा, वो जब खाएगी, जब वो खुश होगी, तो मेरी खुशी उससे 10 गुना होगी। तो तब मैंने उसको कहा, जिसको कुछ लेने में खुशी होती है वो जीव है, जिसको देने में खुशी होती है वो परमात्मा है। देखो, सांस अपने बहू से लेती है तो वो जीव है, वही स्त्री अपने बच्चे को देती है तो भगवान है। देखो संतो, प्रभु को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। द मोर यू गिव, द मोर डिविनिटी एक्सप्रेसेस टू यू। तो भगवान भगवान को जब दूर रखेंगे ना, तब हम इसी चक्कर में पड़ेंगे। इस मंदिर में गए, घंटा बजाए, ये किया, उपवास किया, और दिन भर खौ खौ करते रहे। अरे खाकर शांत तो हो जाओ ना। ये जितने उपवास करने वाले हैं ना, स्वयं परेशान रहते हैं, दूसरे को भी परेशान करते हैं। दूसरा कोई खा रहा, पता नहीं दिन भर खाते हैं, अरे तुम भी खाओ। जो उपवास, हमारा सिद्धांत बहुत सिंपल है, पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। ये उपवास करने वाले दिन भर खाने का सोचते, अरे खाए मुंह में निकाल डाल के पेट में रखो ना। वहां खाने का चिंतन करना माने खाने को दिमाग पे रखना। इसीलिए यह जो अन्यत्व की कल्पना है, मैं और भगवान अलग है, तब तक कि आप कभी सुखी नहीं होंगे। अच्छा, वाचो एतो विदुर्बुधा, फिर लक्ष्यौ च सांख्य योगाभ्याम। फिर सांख्य शास्त्र के अनुसार कहते हैं, नहीं, भगवान जो है परमात्मा, इस माया के उपाधि को लेकर ईश्वर बना है, और जीवात्मा जो है पंचकोशों की उपाधि को लेकर के जीव बना है। ध्यान से सुनना, फिर भी उनकी गलती क्या है? जितने देह होंगे उतने जीव है, ये उनकी प्रॉब्लम है। और ये समझने के लिए अकल नहीं चाहिए, कोई भी बेवकूफ समझ सकता है। जितने मकान उतने मकान के मालिक, जितने देह उतने उसमें रहने वाले अनेक, जितने बल्ब उसमें उतने प्रकाश। प्रकाश एक है कि अनेक है? प्रकाश एक है, सब में लाइफ जीवन एक है, लेकिन उनका ध्यान अभिव्यक्ति की तरफ नहीं जाता, व्यक्ति की तरफ जाता है। जो शास्त्रों के शब्द है, जीव और जीव न, न माने नहीं, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ है वो जीवन है।
और जीवन में सुख दुख नहीं है। कैसे? गहरी नींद में हम केवल जीवन मात्र है, वहां व्यक्ति नहीं है, इसीलिए सुख दुख नहीं। जब व्यक्ति कोमा में होता है तब भी सुख दुख नहीं है, लेकिन जीवन जरूर है वहां। तो ये कोमा की स्थिति या गहरी नींद की स्थिति, इस स्थिति में जब हम अपना जागृत जीवन जीते हैं तब उसको कहते हैं यह जीवन मुक्त है। देखो महाराज, भगवान गीता के शब्द में दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा सुखेशु विगत स्पृहा, माने जीवन में सुख दुख आएंगे लेकिन सुखी या दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। जहां व्यक्ति निर्माण हो गया संसार है, जहां अभिव्यक्ति है वहां परमात्मा है। देखो करना कुछ नहीं है, केवल अपनी फोकल लेंथ को चेंज करना है कि हमारी दृष्टि कहाँ है, व्यक्ति पर है या अभिव्यक्ति में है। तो लक्ष्य उच्च सांख्य योगाभ्याम, और आखिरी कहते वेदांत ही ऐक्यतान यो हो। जब हम वेदांत में प्रवेश करते हैं तब बताते हैं कि जैसे एक ही आदमी पुत्र बना, पति बना और पिता बना, वैसे एक ही परमात्मा जीव बना, जगत बना और ईश्वर बना। और इसमें जगत को संसार नहीं है, ईश्वर को संसार नहीं है, संसार है केवल जीव को। इसीलिए साधना करनी है जीव ने, जगत को साधना नहीं करनी है, वहां संसार है ही नहीं। चाहे आप गंगा जी में फूल चढ़ाओ, दूध डालो या गटर डाल दो, गंगा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो महाराज, जिस ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है, चाहे वहां बड़े बड़े वल्केनो आ जाए, दुनिया मर जाए, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा काम ही है। फर्क पड़ता है जीव को, क्योंकि जीव का संसार है। ये जो उपदेश दिया जाता है यही जीव को उपदेश दिया जाता है कि देखो भैया, तुम एक व्यक्ति नहीं हो, तुम परमात्मा की अभिव्यक्ति हो। जब हम अपने आप को परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में पहचान लेंगे तो जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। कैसा परिवर्तन आएगा? परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद। तो पहली मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा, सत है। दूसरा अज्ञान का डर खत्म हो जाएगा, ज्ञान है, चित है। और तीसरा आनंद है, दुखी नहीं होगे। और क्या चाहिए लाइफ में? देखो महाराज, इसीलिए वेदांत शास्त्र हमको इधर उधर घुमाता नहीं है। ये कर्म करो तो स्वर्ग में जाओगे, ये नहीं करो तो नरक में जाओगे। ये जो डरा डरा के चलाने का धंधा है ना, ये शास्त्रों में नहीं है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में पढ़ो, भगवान स्वयं कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में ये सब कुछ बताया है। जैसे अभी यहाँ अपने को खाना मिलता है, कितना बढ़िया खाना खिला रहे, तीन तीन चार चार छः छः सब्जियाँ है, कोई जरूरी है क्या सब लेना चाहिए? वो इसलिए दिया है, चूज व्हाट इज सुटेबल फॉर यू। लेकिन नहीं, नहीं, इतने बेचारे ने बनाया, ले लिया और फिर डर डर चल रहा है। इसी प्रकार से शास्त्रों में, वेदों में इतनी सारी बातें बताई है, सबकी सब स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। कितनी सिंपल बात है, किसके लिए क्या बनाया है ये हमको समझना चाहिए। पहले जो आदमी बहुत आलसी है, उसको आलस तोड़ना है तो क्या कहेंगे? उसको कहेंगे देखो, तुम यदि यहां से एक बकेट पानी वहां डाल दोगे और तो तुमको मैं एक लड्डू दूंगा। तो लड्डू के लिए ले जाएगा, थोड़ी लालच देना है। फिर बताते तुम यदि अच्छे कर्म करोगे ना, स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग क्या होता है मालूम नहीं? स्वर्ग में GST नहीं है। अरे रियली? हाँ,
वहां बिजली का बिल नहीं है, वहां पॉलिटिक्स नहीं है, मजे ही मजे है। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे कर्म करो। तो अच्छे कर्म के लिए नहीं कर रहा है स्वर्ग में जाने के लिए। और जब अच्छे कर्म करने से जब उसका अपना ही मन शांत प्रसन्न लगने रह जाता है, तब उसको पता बुरे कर्म करो, नहीं यार वो खराब है, मैं तो ऐसे रहूंगा। ये टेक्निक है शास्त्रों का, हम उसमें फंस जाते हैं जिंदगी भर। एक सज्जन थे, एक महात्मा के पास गए, महाराज जी मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दो, अब तो मुझे कोई 400-500 रुपये मिलते हैं महीने के, मैं चाहता हूँ 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं जगत की सेवा करूँगा। महाराज अच्छा तथास्तु, 1 साल के अंदर में उसकी आमदनी 1 करोड़ रुपए की हो गई। फिर उसने दुनिया को देखा, 1 करोड़ रुपए में इतनी बड़ी दुनिया क्या क्या हो सकता है? महाराज जी 1 करोड़ रुपए में कुछ नहीं हो सकता, फिर मुझे 10 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। तथास्तु, दूसरे साल 10 करोड़ मिल गए। फिर देखा वो उसी में लगा रहा। देखो महाराज, प्लानिंग करके किसी का भला नहीं होता, प्लानिंग करके एनजीओ होता है। एनजीओ क्या है? नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशन। पैसा इकट्ठा करेंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे। इसीलिए वेदांत में बताते हैं, ये दुनिया में ज़्यादा परेशान मत होना, जितना हो सके उतना करो, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। देखो महाराज, इस सब का तात्पर्य क्या है? एक तात्पर्य है, जगत में ऐसे रहो अपने मन पर कहीं खरोच ना आए। कैसी खरोच आती है? एक बार हम किसी बड़े आदमी के साथ जा रहे थे, सेठ जी थे, पीछे बैठे दोनों, सामने ड्राइवर बैठा। और बम्बई में मालूम है आपको, हर लाल बत्ती पर आपको ये भिखारी मिलते हैं। तो एक भिखारी आया, उसने ठकठका, और वहाँ के प्रोफेशनल है, ठकठका करके बोलते कि कुछ दे दो 10-20 रुपये। तो हमारे मित्र जो कहते थे, स्वामी जी देखो ना इतना संड मुसंड मोटा है, काम नहीं करता, उसको बोलना चाहिए। मैंने बोला आप बोलिए, मैं क्या बोलूँ। फिर ठीक है मैं बोलता हूँ। उसने फिर कहा, तू इतना मोटा है, संड मुसंड, काम क्यों नहीं करता, भीख मांगता है। वो शांत रहा, वो गुस्सा नहीं किया। उसने कहा, बाबूजी मेरा भीख मांगने का काम आप करो, आपका काम मैं करता हूँ, देखो कौन सा कठिन है। यहाँ उपदेश सब करते, पैसा कोई नहीं देता। ये भी तो काम है, करके देखो कितना कठिन है। जब उसने ऐसा कहा, इन्होंने काँच बंद कर दी, बोले कैसा मुंह लगा है। अब मेरे मन में चल रहा, मुंह लगा वो है कि आप है? आपको यदि देना है ना दे दो, नहीं देना मत दो। अपने मन को खराब मत कर, साधना तब शुरू होती है जब हमने अपने मन का ध्यान रखना शुरू किया है। नहीं तो इसी चक्कर में लोग ऐसे, अरे अपने को क्या करना है। याद रखना, वो दो उदाहरण दिए थे मैंने, महात्मा गांधी के चश्मे का नंबर। कोई जरूरत है जानना? कोई जरूरत नहीं। तो जब भी आप स्वच्छ भारत देखोगे ना, तो आपको ये महामंत्र मिलना चाहिए, अपने को क्या करना है। नहीं तो नहीं, आपको गंदगी दिखे उठाओ इतना, खत्म कर लो। नहीं तो कहीं देखो, देखो आजकल के लोग, ये भारत सुधर नहीं सकता। ओ अरे किसने पूछा है तुमको, और तुम्हारी सुन कौन रहा है? दो बातें, कितनी हम हवा खराब कर देते हैं। तो सांख्य योगाभ्याम लक्ष्योच्च वेदांत ही ऐक्यता नयो हो। परमात्मा ये सबको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हम अपने शरीर को स्वीकार करते हैं। एक बार हम एक टाटा कैंसर हॉस्पिटल में थे, एक सज्जन, उनको कुछ हो गया था बहुत बड़ा। तो मैं इनसे बात करी कि भाई कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। उसने शुरू कर दिया अपने, उसके हाथ को कैंसर हो गया था, इतना बड़ा फोड़ा,
उस फोड़े का वर्णन उसने इतना प्यार से शुरू कर दिया। हमें इसमें जो है ना, एक हर हफ्ते में कम से कम आधी बकेट पस बन जाता है और इतना भारी हो जाता है हाथ और दर्द भी बहुत करता है। ये डॉक्टर लोग आते हैं और उसको काट के ऐसा जैसा आम निचोड़ते हैं ना वैसा निचोड़ करके इतना प्यार से बता रहा था, मैं क्या देखूं यार, ठीक है, क्योंकि वो मेरा हाथ है। देखो महाराज, जहां जहां हमने किसी को भी मैं के रूप में स्वीकार किया है, आपके मन में घृणा निर्माण नहीं होगी। घृणा का एक ही कार्य है, हमने अपने आप से सबको अलग कर दिया है और फिर वहां राग द्वेष निर्माण हो गए, कोई अपना है कोई पराया है। असली अध्यात्म वो है जिसमें अपना पराया का गणित हमेशा के लिए मिट जाता है। तो तार्किकाणां च जीवेशौ वाच्यौ एतो विदुर्भिदाः लक्ष्यौ च सांख्य योगाभ्याम वेदांतैः ऐक्यतानयोः। अब आगे चलते हैं। कार्यकारण वाच्यांशौ जीवेशौ यौ जहच्चतौ अजहच्चतयो लक्ष्यौ चिदेव दंशावेक रूपिणौ। अब ये जो औ औ है ये ड्यूअल केस है, रामा रामौ रामा। तो कार्यकारण वाच्यांशौ, अब इसको जरा ठीक से समझ लेना, पहले हम उदाहरण से समझाते फिर श्लोक में आते। आप वो बाबा जी को जानते हैं क्या? हाँ जी जानते हैं। कैसे जानते हैं? एक कुंभ मेले में वहां ये बड़े एक टांग को ऊपर करके और हाथ में माला लेके खड़े थे, कुंभ मेले की बात है। अच्छा, लेकिन अभी तो ये तो मिनिस्टर बना है। नहीं, वो यही वही है। कैसा भाई? तो कैसे समझना होगा? कुंभ मेले को त्याग दो, मिनिस्ट्री को पकड़ो। एक टांग को ऊपर करके खड़ा था, यहां कार में बैठा है, वहां शरीफ दिख रहा था, यहां शब्द कम है उसके लिए। तो हमने क्या किया? वो स्थान ये स्थान इसको त्याग दिया, वो मेकअप ये मेकअप उसको त्याग दिया, जो बचा वो वही है। देखो यही यहां बताते हैं। कार्य कारण वाच्यांशौ जहत, कार्य कारण इसका त्याग कर दो। क्या कार्य कारण है? कि जीव ये कार्य है, ईश्वर कारण है। यहां कार्य कारण आया, संसार शुरू हो गया। देखो महाराज, कार्य कारण मिथ्या, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। जैसे जगत का दर्शन हमको कैसे होता है? बोले जगत क्या है? बोले इसमें तीन बातें हैं, एक तो द्रव्य है, दूसरा क्रिया है और तीसरा ज्ञान है। अच्छा, लेकिन इसका कारण क्या है मालूम नहीं आपको? द्रव्य का कारण तमोगुण और क्रिया का कारण रजोगुण, ज्ञान का कारण सत्वगुण। तो आपने कारण की सिद्धि कार्य को देखकर की है ना, तो कार्य से कारण निर्माण हुआ कि कारण से कार्य निर्माण हुआ? बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। जो परावलंबी होते हैं वो सत्य नहीं होता। आजकल की दुनिया में सब बदल गया, आपको पता है ना, पहले माँ बाप होते थे, आजकल माँ बाप नहीं है। पहले बच्चे पैदा होते थे, आजकल बच्चे पैदा नहीं होते। फिर क्या है? बच्चे डाउनलोड होते और माँ बापों के नाम भी क्या है? गूगल इज बाप और अम्मा जान इज माँ। अम्मा जान माने अमेजॉन, जो चाहिए अम्मा जान को मांगो, कुछ पूछना है तो गूगल को पूछो। और फिर बच्चे डाउनलोड करते हैं। एक डाउनलोडेड प्रोडक्ट आया, उसने पूछा माँ से, मम्मी तुमने मुझे यूजर नेम तो दे दिया, पासवर्ड क्या है? देखो पासवर्ड मैंने बाप का नाम। अच्छा देखो महाराज, तो ये जो कार्य कारण है ये मिथ्या है। जहां भी डिपेंडेंट है
तो ऐसे लड़के ने अपने बाप को पूछा, जब उसको डांट पड़ी, मैंने तुमको जन्म दिया इसी जीवन के लिए, ऐसा मेरे से बिहेव करते हो? एकदम बच्चा, डैडी इनफ इज इनफ, क्या किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? अब बाप हिलने लग गया, पता नहीं पुत्र क्या कहता है। फिर वो कहता है, मैंने आपको जन्म दिया, जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था आपको पिता किसने कहा? तो पिता पुत्र ये म्यूचुअली डिपेंडेंट है, और इन दोनों के परे जो आदमी है वो सत्य है। देखो महाराज, इसीलिए कार्य कारण वाच्यौ जीवेशौ जहच्यतौ, एक ही परमात्मा जब कारणात्मक होता है तब उसको ईश्वर कहते हैं, वही परमात्मा जब कार्यात्मक होता है तब उसको जीव कहते हैं। तो हम सभी के सभी एक ही समय दोनों है, बच्चे भी हैं और माँ बाप भी हैं। ध्यान से सुनना, हम अपने माँ बापों से इतना परेशान नहीं होते जितना बच्चों से परेशान होते हैं। कारण क्या है ध्यान से सुनो, कारण यह है माँ बाप का चॉइस नहीं था। अब इसको आगे ले चलो, बच्चों का भी कोई चॉइस नहीं है, कौन महाभाग आपके गोद में आएगा हरी जाने, लेकिन हम चाहते हैं मेरा बेटा ऐसा बने। मुझे चाहता हूँ, अम्मा ने कहा, मैं चाहती हूँ स्वामी जी मेरा बेटा जो है ना आइंस्टीन के जैसा बने। अब आप तो हंस सके, मैं रो गया। हमने कहा क्यों उस आइंस्टीन को दुखी कर रहे हो? तो ये सब जीव जहच्यत, उसका त्याग कर दो, कोई मतलब नहीं कार्य कारण में। फिर अजहच्यत यो लक्ष्यौ, अब दोनों का आधार क्या है उधर ध्यान दो। जीव भी चेतन है, ईश्वर भी चेतन है, देखो। और ये जो चेतना है, जिस तत्व की अभिव्यक्ति है वो चैतन्य, वही सत्य है। तो ईश्वर से प्रेम करना है, डरना नहीं। पहले जमाने में उल्टा होता था, घर के घर में पिताजी जो होते थे ना, बच्चों को डांटना मारना आम था। आजकल के पिताजी बच्चे के साथ क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, घूमने जाते हैं, मजाक करते हैं और ऐसा लगाते भी है। कितना फर्क हो गया, दोस्ती हो गई। और इसीलिए ये जो सामान्य तत्व है वहाँ हमारा ध्यान चले जाए। अब कर्म की बात करते हैं। कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम तर्के नैवास्ति निश्चयः सांख्य योगो द्विधापन्नौ शाब्दिका शब्द तत्पराः। कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम, अब कर्म के जेनेसिस समझे, कर्म कैसे पैदा होता है। पहली बात, हमने अपने आप को अपूर्ण है ऐसी कल्पना करी है। वैसा देखा जाए तो कोई अपने में कवि नहीं है, लेकिन अपने को अपूर्ण माना। यदि जब तक अपने को अपूर्ण नहीं मानेंगे तब तक के ये बात नहीं हो सकती। कौन सी बात? अच्छा खासा पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, बहुत पैसा कमा रहा है, स्वतंत्र लड़का, एक दिन उसके दिमाग में वायरस घुस जाता है, वॉट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। एक बार ये वायरस घुस गया, समझो वो इनका इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। फिर वो जहाँ भी जाएगा, ये कैसी है वो कैसी है, नहीं नहीं ये एक्चुअली ये भूतपूत है, अच्छा अच्छा उसको हर जगह में वही नजर आएगा, बस एक ही दिमाग में घुसा है, शादी करनी। तो पहले अपूर्ण की कल्पना, फिर उस अपूर्ण को निकालने के लिए जो मन में विक्षेप आते हैं उसको कहते हैं इच्छा या कामना। कामिनी कदम, फिर कदम कदम रख के आगे चले। तो पहले अपूर्णता की इच्छा हो गई, कल्पना, फिर कामना मन में आ गई, फिर कामना के बाद वो कामना आपको चुप नहीं बैठने देगी, फिर आप कर्म में लगोगे, शादी.com।
देखो तो अविद्या हो गई, फिर कामना हो गई, फिर कर्म में लग गए। तो कर्म क्या है? अविद्या का पोता है। देखो तो जो व्यक्ति इस अविद्या में फंसा है उसके लिए कहां ज्ञान की बात हो सकती है? देखो किसी को कहो ना कि देखो यार ये दुनिया में ऐसे ही चलता है, ज्यादा परेशान मत होना, हर एक के जीवन में आता है। स्वामी जी आपको तो उपदेश करना ही आता है, फिर मैं क्या करूं बताओ, मेरी पत्नी को समझाओ। हमने कहा इसको कह दिया अशक्यानुष्ठान, लेकिन वो इतने भयानक बेवकूफ है, क्या करूं। हमने कहा इसको मैं एग्री करता हूं, जो तुमसे शादी करेगा कभी समझदार नहीं होगा। बेवकूफी तो तुमसे शादी कर सकता है, माने आप मुझे कोस रहे और क्या। अपने मन को स्पष्ट समझाओ, कर्म करोगे तो कर्म का फल मिलेगा। यदि कर्म करोगे लेकिन उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं होगा तो वो क्रिया होगी। शास्त्रों में शब्द है कर्म फल, क्रिया फल ये शब्द नहीं है। एकादशी के दिन चावल खाया, दाल सब्जी रोटी खाई, हमें जी क्या होगा, आज एकादशी थी मैं भूल गई, अब तो मैंने ये सब खा लिया, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबा, तुम डायरेक्टली नरक में जाओगी। देखो मैंने खाया, दूसरा उदाहरण, खाने के बाद पेट में गया, कॉन्स्टिपेशन हुआ पाप है, डायरिया हुआ पुण्य है, क्योंकि मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं, ये भाव निर्माण नहीं होता। इसी प्रकार से अपने जीवन में मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, जब तक ये मैं का बकरा है तब तक के पाप पुण्य निर्माण होते रहेंगे। इसीलिए जो कुछ हो रहा है हरि इच्छा से हो रहा है, माने आपने अपने मैं को हटा दिया है, अपनी इच्छा से नहीं हो रहा, हरि इच्छा से हो रहा। इस सिद्धांत को यदि हम असल में जीवन में उतारेंगे ना तो आपके मन में विक्षेप आ ही नहीं सकते, आप सहज सरल रहोगे, जो है ठीक है यार, डोंट वरी। इस प्रकार से कर्मशास्त्रे कुतो ज्ञानम तर्के नैवास्ति निश्चया, दूसरा है तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र में लॉजिक लॉजिक लॉजिक। देखो मनुष्य इंद्रियों में फंसता है विषयों के प्रति आकर्षण के कारण, मन में फंसता है इमोशंस के कारण, बड़ा भावना प्रधान। किसी को मिले रोने धोने लग गए, रोने धोने से कुछ नहीं होता, हमारे कपड़े खराब होते हम दूर रखते हैं, कपड़े खराब मत करो, हर जगह जाकर के बड़ी इमोशंस आती है, कोई मतलब नहीं उससे, कोई वहां फंसे है। तीसरे लॉजिक में फंसे है, तो पहले दो से तो आदमी निकल सकता है, ये जो लॉजिक में फंसे है इंटेलेक्चुअल्स आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल, क्योंकि फंसे है उसमें, वो उनको उसमें से निकलना है। कैसे निकलना है? अपने लॉजिक को प्रभु चरणों में रख दो। इसीलिए इंद्रियों का नियंत्रण हो सकता है, मन का नियंत्रण हो सकता है, बुद्धि का नियंत्रण नहीं हो सकता, तो फिर बुद्धि का प्रभु चरणों में समर्पण ही हो सकता है। समर्पण माने क्या? हे भगवान तुम्हारी इच्छा, माने जीवन में आने वाली सफलता विफलता इन दोनों का प्रभाव जब हमारे अंतकरण पर नहीं होता ना, तब हमने अपने बुद्धि का हर्डल पार किया है, नहीं तो उसी में फंसे रहोगे जिंदगी भर। देखो महाराज, ये थोड़ा बहुत ज्ञान गुण की बातें करने वाले, उन भक्ति तो उन लोगों के लिए जो अज्ञानी है उनके लिए, हम तो बड़े ज्ञानी हैं बेवकूफ। जो अन्य को अज्ञानी कहता है उससे बढ़कर बेवकूफ कोई नहीं है। इसीलिए कर्मशास्त्रे कुतो ज्ञानम तर्के नैवास्ति निश्चयः सांख्य योगो द्विधापन्नौ। सांख्य शास्त्र ये नींव है और योग शास्त्र इसके अनुसार चलता है। योग शास्त्र की नींव सांख्य है।
तो सांख्य शास्त्र में क्या करते हैं, द्विधापन्नो, वहां द्वैत को ही समर्थन है। इसीलिए आप देखेंगे योगा करने वाले या ये द्वैत में रहने वाले हमेशा एक ही बात करेंगे, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। सांख्य में, योग शास्त्र में एक सूत्र आता है, उसमें कहते हैं कि आपका जितना पिछले जन्म का कर्म विपाक होगा, टोटल कर्म फ्रॉम द लास्ट लाइफ, उसके अनुसार इस जीवन में आपको तीन बातें मिलती है, एक है जाति, दूसरा है भोग, तीसरा है आयु। हम किस प्रकार से पैदा हो गए, स्त्री पुरुष पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये हमारे पिछले कर्मों का फल है। दूसरी बात, फिर भोग, हमको क्या क्या भोग मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छी पत्नी पति मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अच्छे बच्चे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भोग ऑलरेडी डिसाइडेड है, यू कैन नॉट चेंज इट। और तीसरी बात है आयु, आपकी उम्र कितनी लंबी है ये निश्चित है। और फिर इसके बाद दूसरा जन्म, इनके विषय से ये पूर्व जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, ये तीन विषय निकाल दो, इनको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। पाप पुण्य धर्म अधर्म निकाल दो, कुछ बोलने के लिए नहीं है। स्वर्ग नरक निकाल दो, कुछ नहीं है बोलने के लिए। इसी में घुमा रहे हैं, ये भी घुमा रहे हैं, क्योंकि जब तक के किसी को डराएंगे नहीं ना, तब तक के काम नहीं होता। देखो यदि तुमने ऐसा किया ना तो नरक में जाओगे। अच्छा वहां कैसा हाल है, बड़ा आनंद है वहां, गरम गरम पकोड़े, अच्छा पकोड़े मिलते हैं, नहीं नहीं तुम्हारे पकोड़े बनेंगे, जैसे गोभी के पकोड़े होते, पूरे गोभी को लेकर के पूरा का पूरा फूल, उसको इसमें डुबोया बेसन में और फिर तलाया, बहुत बढ़िया बना, रख दिया, फिर जिसको आना काट काट के खा लो, इसी प्रकार से तुम्हारा एक बड़ा पकोड़ा बनेगा। लेकिन वो तुम्हारा यातना देह है, यातना देह का नाश नहीं होता, तो तुमको उसमें डालेंगे कढ़ाई में बेसन से लपेट करके, और जब अच्छा हो जाएगा फिर टेबल पर रखेंगे। वह खाने के लिए वल्चर्स आएंगे और वल्चर एक एक चीज को काट काट के खाएंगे, आगे मत बताना, रात को वही सपना आएगा कि बहुत पाप किया था मैंने, अब पता नहीं कि ऐसा तो नहीं होगा। ध्यान से सुनना, ये सबसे बड़ी साधना है, मैंने आपको मंत्र दिया है, याद है ना, रिपीट करो हमारे बाद, मैं जब हूँ मैं जहाँ हूँ मैं जो हूँ सौ प्रतिशत रहूँगा। यदि आप करो तो आपके भूतकाल का संपूर्ण पाप नष्ट हो गया। बिगिन ए न्यू बिगिनिंग। किसने किया पाप, किसने किया पुण्य, सब गंगा जी में डाल दो। लेकिन भी मरोगे। देखो महाराज, भगवान ने मनुष्य को सबसे बड़ी जो भेंट दी है मालूम है क्या है, भूल जाना, भूलना सीखो। किसी से पैसे ले लो, भूल जाओ, उसको परेशानी होगी, वो पूछेगा देखो यार भूल जाओ, उसी में आनंद। देखो संतो, गंभीर होकर के अध्यात्म नहीं होता। तो सांख्य योगो द्विधापन्नो और शाब्दिकाहा शब्द तत्पराहा। एक हमने एक शास्त्री जी थे, बूढ़े थे, हम तो संस्कृत पढ़े नहीं है वैसे, तो वो हमको अंग्रेजी में संस्कृत पढ़ाते थे। तो उस समय मांडुक्य कारिका के सत्संग चल रहा था, तो हमने कहा शास्त्री जी
आप नहीं आते सत्संग में, बोले मुझे वेदांत में इंटरेस्ट नहीं है। बोले क्यों? मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ तो मेरा दिमाग व्याकरण में घूमता है। जैसे एक उदाहरण के लिए कठोपनिषद का मंत्र है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। अब गूढ़ोत्मा यदि व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत है। बोले मैं आगे पढ़ता ही नहीं, इसका व्याकरण ऐसा क्यों कर दिया, मैं उसी में फंस जाता हूँ। देखो महाराज, ये मालूम है कौन थे? प्रूफ रीडर्स। मैं कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ सकता, पढ़ना शुरू कर दिया प्रूफ रीडिंग शुरू होता है। यहाँ गलत स्पेलिंग है, यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा हो गया है। उसी प्रकार से शाब्दिक शब्द तत्परा, वो केवल शब्दों में ही फंसते रहते हैं, उसका अर्थ ग्रहण नहीं करते। देखो महाराज, एक लड़की थी, अब तो वो बड़ी माँ हो गई है, जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उसको बड़े विचित्र नाम से बुलाती थी, दिल्ली की बात है, और मुझे वो नाम मालूम था। तो जब मैं उसके शादी में गया कई सालों के बाद, तो जैसे मैं गया वो दौड़ के आई और पहले मेरे मुंह पे उसने हाथ रख दिया। तो स्वामी जी, सबके सामने मुझे उस नाम से मत बुलाना। मैंने मुंह खोलता हूँ तो बोलूँ ना, लेकिन वो नाम तो कितना अच्छा था, तुम्हारी माँ ने तुमको प्यार से रखा था। बोले नहीं नहीं, उसको मत बुलाना। उसके माँ उसको मालूम है क्या कहती थी? मेरा बैंगन का भरता। अब मुझे बताओ, ये कोई प्यार है? अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। तो जब भी मैं उसको मिलता था तो उसका नाम है, ए बैंगन कैसे हो, कुछ भी कहो मुझे वो मत कहो। और उसको बैंगन का भरता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए ये जो चक्कर है ना, शाब्दिक शब्द तत्परा, तो उसने बैंगन का भरते का शाब्दिक अर्थ ले लिया था, लेकिन उसने अपने माँ का प्रेम उसमें नहीं देखा। इसी प्रकार से शब्द के अर्थ जब ग्रहण नहीं होते तब संसार शुरू हो जाता है। और आगे की बात आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।